वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा हिंदी चैनल। आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे तो। कैनन 90D कैमरे के बारे में बात हो रही है, काफ़ी सारे रूमर मिल्स कैनन रूमर कैनन वॉच ने पब्लिश किया है कि कैनन 90D कैमरा आ सकता है बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट के साथ। ये रूमर कहाँ तक सही है गलत है मैं नहीं जानता, बट हम कुछ पहलू पर गौर फरमा सकते हैं। कैनन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 2018 के एंड में मीडिया आउटलेट से ये कहा था, स्पेसिफिकली ये न्यूज़ आउट हुई थी पेटापिक्सल्स में, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं खुद ब खुद कि कैनन एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है, उसका नाम है कैनिबलाइजेशन, DSLR कैनिबलाइजेशन। एंड व्हाट डज इट मीन? DSLR कैनिबलाइजेशन का मतलब ये है कि कैनन जो है वो अब मिररलेस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे DSLR के कंपैरिजन में। कैनिबलाइजेशन का मतलब ये है कि कैनन ये चाह रहा है कि उनकी जो कंज्यूमर बेस है वो शिफ्ट करे फ्रॉम DSLR टू मिररलेस कैमरा। इसका साफ एग्जांपल है कैनन EOS M50 कैमरा। कैनन ने APS-C मिररलेस कैमरा को सिलेक्ट किया 4K वीडियो को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने APS-C लाइनअप में। एट द सेम टाइम उन्होंने डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया कैनन EOS M50 कैमरे के थ्रू। एट द सेम टाइम कंप्रेस्ड रॉ फाइल फॉर्मेट्स भी इंट्रोड्यूस हुई है EOS M50 के थ्रू APS-C लाइनअप में। तो वो अब प्रेफर कर रहे हैं APS-C मिररलेस और फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा को अपनी टेक्नोलॉजीज न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंस्टेड ऑफ DSLR आफ्टर दे हैव द कैनिबलाइजेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि वो पहले अपने मिररलेस को प्रेफर करेंगे किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। 90D जरूर आ सकता है बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पहले ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि EOS M5 Mark II कैमरा हमारे सामने आ जाए एक बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट के साथ। अगर हम इंटरव्यूज़ की बात करें तो कैनन रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ समय पहले कहा था कि वो चाहते तो EOS R में बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन कॉस्ट फैक्टर ने उन्हें रोक दिया। तो इसका साफ मतलब है कि कैनन का आने वाला प्रोफेशनल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा आएगा बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट्स के साथ। तो हमें ये देखना होगा कि कैनन अपने पुराने पॉलिसी कैनिबलाइजेशन पॉलिसी के साथ स्टिक आउट करता है, वो पहले मिररलेस मॉडल्स को प्रेफर करता है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कैनन अपने पॉलिसी को चेंजअप करता है, अपने पॉलिसी में चेंज लाता है और इस साल हम शायद देख लें एक 90D कैमरा बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट्स के साथ। कोई भी ठोस जानकारी हमें मिलती है तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।